सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अनुशासन कठिन जरूर लगता है पर आदत बन जाए तो सफलता की गारंटी देता है। गणेश जी का रूप निराला है, चेहरा भी कितना भोला भाला है। जिसे भी आती है कोई मुसीबत उसे इन्हीं ने तो संभाला है। रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं, लगाकर भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। खोने के बाद ही समझ आता है कि कितना कीमती था समय, व्यक्ति और रिश्ता। आज का पंचांग 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि सुबह 8:04 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र सुबह 11 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:20 से 1:51 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। व्रत और त्योहार की बात करें तो आज प्रतिपदा श्राद्ध, महालय, श्राद्ध पक्ष और भाद्र पूर्णिमा रहेगी। कन्या राशि 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार, आप आज आसानी से सब काम करके जीवन के स्कोप को बड़ा कर सकते हैं। अपनी एकाग्रता बनाए रखें और अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा दें। ऐसा कुछ भी किसी को ना कह बैठे जो आपको भावनात्मक उलझन में फंसा दे। बिजनेस का विस्तार हो सकता है या पहले से खुले आउटलेट को नया रूप भी दे सकते हैं। आप अभी अपनी चिंताओं को शेयर करने और दूसरों से कनेक्ट होने की आवश्यकता महसूस करेंगे। यह चिंताएं छोटे भाई या सहकर्मी से संबंधित हो सकती है। छोटी यात्रा या भ्रमण के लिए तैयार रहें। संगीत और डांस आकर्षित करेंगे और आपको खुशी और आत्ममूल्य की भावना दे सकता है। इस क्षण का आकर्षण आपको दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा। अपने प्रयासों के कारण आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। आनंदित होने का समय आ गया है। इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ऊर्जा का होना ही सफलता प्राप्त करने का मुख्य रहस्य है। प्रचुर ऊर्जा होगी लेकिन काम का बोझ आपकी खींच की वजह बन सकता है। आज आपको अपने संतान की वजह से आर्थिक लाभ होने की संभावना नजर आ रही है। इससे आपको काफी खुशी होगी। नौ युवकों को स्कूल प्रोजेक्ट और बाबत कुछ राय लेने की जरूरत हो सकती है। अचानक हुई रोमांटिक मुलाकात आपके लिए उलझन पैदा भी कर सकती है। ऑफिस के राजनीति हो या फिर कोई विवाद, चीजें आपके पक्ष में झुकी नजर आएगी। कई कामों को छोड़कर आप आज अपने पसंदीदा कामों को करने का मन बनाएंगे लेकिन काम की अधिकता के कारण आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन साथी का मिजाज आज बढ़िया है, आपको कोई सरप्राइज भी मिल सकता है। फाइनेंस संबंधित मामलों में मन मुताबिक परिणाम मिलेंगे लेकिन कोई पेमेंट आदि फंसी हुई है तो आज उसके लिए तकाजा कर सकते हैं। भावुकता की बजाय प्रैक्टिकल तरीके से अपने कार्यों को संपन्न करें, इससे आप बेहतरीन तरीके से निर्णय ले पाएंगे। पुरानी बातों को सुलझाने का समय अहंकार से बचना होगा। अधिकतर बातें सुलझती नजर आ रही है लेकिन आप पुरानी बातों को महत्व देने से विवाद दूर हों लेकिन पुरानी बातों को महत्व देने से विवाद दूर होंगे। स्वभाव में किस प्रकार से बदलाव करना है ये बात अगले कुछ दिनों में स्पष्ट होगी। पैसों से संबंधित समस्या दूर करने के लिए परिवार के लोगों का साथ मिलेगा। काम की जगह किसी भी व्यक्ति पर ज्यादा निर्भरता न बने इस बात का ध्यान रखना होगा। पार्टनर के साथ हुए विवाद को तुरंत दूर करने की कोशिश करें। आपकी दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोग उनके विवाह प्रस्ताव पर मुहर लगा सकते हैं। आप अपनी पारिवारिक समस्याओं को मिल बैठकर दूर करने की कोशिश करें नहीं तो वह बढ़ेगी। आप किसी धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकते हैं और रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को कोई बेहतर अवसर भी मिल सकता है। सावधानियां, घर के वरिष्ठ सदस्यों के मान सम्मान का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की बुरी आदत अथवा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें वरना इस वजह से आप किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। बेहतर होगा कि अपने कार्यों में ही व्यस्त रहें। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में सुखद माहौल बनाए रखने के लिए सभी सदस्यों का आपसी सामंजस्य होना बहुत जरूरी है।
प्रेमी प्रेमिका को भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान मिलेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं को भी एक दूसरे की भावना का सम्मान करना है जो अच्छा रहेगा। आज के दिन एकल व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है, जो कि एक विशेष व्यक्ति से मिल सकती हैं, जो कि आपके भविष्य के जीवन में प्रमुखता रखेगा। अगर आप एक रिश्ते में नहीं है तो आज इस बात का संकेत मिल सकता है कि यह लंबा और सच्चा प्यार है या एक मृत तृष्णा भर है। आज आप एक गंभीर रिश्ते की दिशा में एक कदम उठा सकते हैं। आज साथी के साथ घूमने जाना आपके लिए लाभकारी रहेगा और आप अकेले में कुछ रोमांटिक पल व्यतीत कर पाएंगे। अपने शौक जैसे संगीत, नृत्य या कला को नजरअंदाज न करें। पैसे कमाए पर इस बात का ध्यान रखें कि पैसा हमें न कमाए। पैसा कमाए प्रेम फैलाने के लिए। आज आपका सारा काम अच्छे से बनेगा और अब समय आ गया है पार्टी का। इन पलों का संदर्भ आपको दूसरों की सेवा करने या खुद को पहचानने के लिए प्रेरित करेगा। आपका जीवन साथी आपका मददगार है और वो आपकी हर संभव सहायता करेगा। जैसा भी हो उसे हर तरह से खास महसूस कराएं। बात करती है करियर की। आप जीवन के उद्देश्यों को हमेशा गंभीरता से लेते हैं और यह आपका रोमांटिक पॉइंट है। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर की नकारात्मकता प्रतिक्रिया से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन में आपको क्या चाहिए। याद रखिए, जीत हमेशा अपनी गलतियों को सुधारने वाले की होती है। आप चाहे या ना चाहे, लेकिन आज आप सबके आकर्षण का केंद्र बनेंगे। कड़ी मेहनत के बाद अब समय है कुछ देर सांस लेने और मजा करने का। ग्राहकों की सेवा करके आप अपने बारे में अधिक भी जान पाएंगे। आज कार्यस्थल पर कई अलग तरह की स्थितियां आपके समक्ष आएगी और आप इसके लिए बाध्य होंगे कि आप स्थितियों के अनुसार सही निर्णय लेकर आगे बढ़ें। आज आपके काम की नैतिकता के लिए अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है। अपने सहकर्मियों के साथ ना चलने के कारण कुछ तनाव की स्थितियां सामने आ सकती है, लेकिन अपने मालिक की नजरों में आप पाएंगे और उनका भरोसा भी जीतेंगे, और इस चीज के कारण आपके करियर का इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। आपका अपनी मेहनत और योग्यता के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। फोन या ऑनलाइन गतिविधियों के नजरिए व्यवस्था अच्छी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के योग बन रहे हैं, इसीलिए अपने कार्य के प्रति फोकस रहें। बात करते हैं सेहत की। आपकी भावनाएं आज उफान पर रहेगी और आपको खासा परेशान करेगी। बहकर कोई भी फैसला करने से पहले एक बार फिर से सोच लें। इस स्थिति में थोड़ी राहत पाने के लिए वे कार्यकलाप करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। इस तरीके से आप मानसिक रूप से संतुलित होने तक अपने ध्यान को बांट पाएंगी। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।